दोस्तों, माता रानी के दया थे भाई। इस समय हम कटरा पहुंच चुके हैं और ये आप जो देख रहे हो सामने, ये पंजीकरण ऑफिस भाई। अभी तो इस समय तो बंद है, ये सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब सुबह 5 बजे लाइन में लगेंगे और पर्ची कटवा के माता रानी के दर्शन के लिए सुबह पैदल यात्रा चालू करेंगे भाई, ठीक है ना। ये देख लो भाई, कटरा शहर का खूबसूरत दृश्य, बहुत ही प्यारा कटरा शहर है भाई बिल्कुल। अभी थोड़ा और दिखा देते हैं आपको भाई, ये देखो भाई कटरा शहर की मार्केट इतनी खूबसूरत। कटरा शहर पंजीकरण ऑफिस भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं रूम भाई, जितने में रूम मिलेगा आपके साथ साझा करेंगे और जिस भाई से रूम लें उसका नंबर ही आप। लो भाई, इधर अपना कमरा किराए पे ले लिया भाई दोस्तों, और कमरा भी सस्ता था, थे दिया तो 700 रुपये में। बढ़िया VIP होटल है भाई, दिखा देते हैं आपको होटल भी। तो ये कमरा बना किराए पे ले लिया, नंबर भाई का लिख रहा, अगर आप कभी वैष्णो देवी पर आओ कटरा तो इस नंबर पर फ़ोन करके अपना कमरा बुक करा सको भाई। बहुत अच्छी सर्विस है भाई की और कमरा भी VIP है भाई। कमरा भी दिखा देते हैं आपको, अल्लाह भी दोस्तों अभी दिखा देते हैं रूम, ठीक है। मोटरसाइकिल उठा खड़े कर रखा गया था। ले भाई रूम मिले मैंने 103 नंबर। अरे देखो भाई कितना प्यारा रूम भाई, पंखा चल रहा है, फोन भी इधर है भाई, फोन में लेना हो ठीक है। ये लैट्रिन बाथरूम भाई, गीजर लग रहा है भाई स्पेशल बकायदा भाई। अरे यू LCD AC सब कुछ भाई, वाईफाई भी है दोस्तों भाई, ठीक है। नंबर दोबारा और देख लो भाई दोस्तों, जब कटरा वैष्णो देवी आओ तो भाई का नंबर देख नोट कर ले भाई। लावे दोस्तों कटरा शहर का बाजार भाई, देख ले मौके पर, देखो मौके भाई। लावे प्रदीप और मैं कटरा शहर में घूम रहे हैं, माता रानी के गांव में, माता रानी वैष्णो देवी के गांव में भाई कटरा शहर में आ रहे हैं भाई। और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है वाका भाई, मन में बिल्कुल शांति मिलेगी भाई। और सवेरे चढ़ाई चालू करेंगे 5 बजे भाई, कर दिया रात के 11 बजे रहे भाई। इस टाइम कटरा शहर में और आप देख सको भाई कितनी चहल वहल हो रही भाई, ठीक है। इस समय रात के 11 बजे रहे पूरे मौके पर, और भीड़ का आइडिया लगा उसको नवरात्र हैं भाई, कितने भक्त आ रहे हैं माता के दर्शन करना भाई। ये बाजार है भाई कटरा शहर का, ठीक है। मम्मी भाई अपना रूम आराम लेगा, कमरे से बाहर आए तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, थोड़ा बहुत भाई इन्हें दिखा देंगे दृश्य। दुकान मेरी भाई फ्रोट है, अगर अपना फ्रोट काट लेना हो वरना गोलगप्पे आएगी कल लग रही मौके पर। नाम भी लिखा गया माता की, मशीन वाला कड़ा घूम रहे भाई कटरा शहर में, माता रानी के दरबार में भाई, ठीक है। मेरे साथ मेरा भाई प्रदीप भी आ रहा है, बिल्ला शांति मिल गया मौके पागा भाई, शांति बिना शांति क्या ही करा। लाइव दोस्तों रूम में तो भाई ना दोगा, इस समय 8 बजे सुबह के और नवरात्र है, माँ माता वैष्णो देवी के दरबार मारे हैं। ये चलते हैं भाई रूम से बाहर और
जो भी यात्रा के नियम उनको पालन करके अपना पहले तो कराते हैं पंजीकरण, पर्ची कटाते हैं, फिर उसके बाद माता वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई चालू करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे माता वैष्णो देवी। लोग रूम से बाहर चलती हैं और एक चलते हैं भाई कौन की तरफ, वहाँ से पर्ची कटाते हैं। जो भी जो कोई प्रक्रिया होगी आपको साथ साझा जरूर करेंगे भाई। चलिए चलते आगे भाई। कौन सी ये यहाँ पर्ची काउंटर पर, ठीक है, देखते हैं जाके वहाँ पे कितना टाइम लगेगा पर्ची कटवाने में। पर्ची कोई ज़्यादा टाइम लगने होगा, भीड़ कम ही है ज़्यादा। लव इधर से कटवाते हैं माता रानी के लिए पर्ची भाई। और ये पालन लिख रहा भाई जो आप पढ़ के पूरा कर सकते हो, ठीक है। काउंटर पे लगते हैं अब वो पर्ची कटा लेते हैं। आगे आ जा भाई, आगे लेडीज है तो आगे आ जा। देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, कौन सी यात्री काउंटर टू। लव दोस्तों पर्ची कटा लिया, अरे माता रानी की देर है, अपना कार्ड मिल गया यात्रा का। ये बाबा आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। और जब भी आप भाई माता रानी का आओ अपना आधार कार्ड जरूर ले दोस्तों भाई। उधर का रास्ता अगर आप आधार कार्ड भूल जाओ तो फ़ोन में फोटो जरूर आके आधार कार्ड की भाई, क्योंकि आधार कार्ड जो भी है भाई ये पहन लेते हैं उसको माता रानी का नाम लेके भाई। बोल सच्चे दरबार की जय माता, जय माता की। अब आगे चलते हैं भाई कटरा से पैदल माता वैष्णो देवी की भवन तक। अब करते हैं हम पैदल यात्रा चालू भाई। टम्पो में बैठ गए हैं, 20-20 रुपये ले आओ भाई, उठा छोड़ देगा। कौन सी जगह, क्या क्या जगह नाम है वहाँ पे? बाण गंगा पे छोड़ दे भाई भाई, ठीक है। देख ले भाई टम्पो का नज़ारा, कटरा शहर की गलियों में। ये देख ले भाई, ये बाबा ये टम्पो के लिए देख लो कितनी लंबी लग रही है भाई। और ये देख माता रानी का भवन भाई, वो सामने जो आप देख रहे हो वो है अर्ध कुमारी भाई। चढ़ जाएगा अस दस दे माता रानी का नाम लेगा भाई, ठीक है। अपने और माता की चढ़ाई पर दे भाई। मेरा भाई प्रदीप बिल्कुल थक चुका है और आनंद का सफर मेरे हाथ पूरा भाई। देख माता का नाम लेगा दोस्तों, लाइन देख सकते हो आप नवरात्रों में इतनी लंबी लाइन है भाई। गाड़ियां लगा सकते हैं भाई। लगे दोस्तों यहाँ पे चेकिंग कराई अपनी भाई, श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड। चेकिंग शूकिंग करा का बाहर निकल लिया है भाई, ठीक है। यहाँ से करते हैं पैदल यात्रा चालू भाई। क्या भाई वो होगी अपनी कठिनाई भरी यात्रा चालू माता वैष्णो देवी की भाई। और भीड़ का आइडिया देख सकते हो आप लगा के कितनी भीड़ है नवरात्रों में, ठीक है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कटरा से माता वैष्णो देवी यात्रा। ऐसे ऐसे तरीके बीच में आपको देखने को मिलते रहेंगे। बहुत ही और आप जैसे बच्चों को लाओ तो बच्चों के लिए ये मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। पालकियाँ बच्चों की कोई टेंशन नहीं, बच्चे ये इसमें बैठ के आराम से आपके जा सकते हैं। इसका चार्जिंग लगता है, वो चार्जिंग आपको बता देंगे।
से आप पालकी बुक करा सकते हो। यहाँ पे पालकी काउंटर है भाई, ज़्यादा रेट भी लिखा है अगर किसी भाई पैदल ना चला जाता हो तो। भीड़ के आइडिया लगा सकते हो आप, देख कर कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई नवरात्रों में। चलिए चलते हैं भाई आराम आराम से, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे माता वैष्णो देवी यात्रा भाई। जय हो सुल्तान बालना, माता के दर्शन करने के लिए घोड़े की सवारी भी है यहाँ पे। ये मेरे भाई प्रदीप मैसी माजरा मेरे साथ चलते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा पे, देखते हैं भाई पहली भी आया था मैं, अब मेरी सेकंड दूसरी फिर माता वैष्णो देवी ना बुलाए हैं भाई, दूसरी फिर जा रहे हैं माता वैष्णो देवी पर। ठीक है चलते रहेंगे, आपको जो भी जानकारी होगी आपके साथ साझा जरूर करेंगे भाई। अभी करा देते हैं आपको बाणगंगा के दर्शन भाई, देखिए भाई यहाँ से बाणगंगा, देखो भाई बाणगंगा जो आप ये देख रहे हैं भाई, ये बाणगंगा है भाई। ये है भाई बाणगंगा, नहा रहे हैं इधर। ठीक है दोस्तों, हम चढ़ेंगे अब पैडियों को भाई। चल भाई पैडियों को शॉर्टकट मारते हैं भाई, ये पैडिया शॉर्टकट है भाई, एक रास्ता वो जाता है लोकल, हम चलेंगे पैडियों को भाई। बकायदे पैड़ी गिनती लिखी जाती है कितने हैं, बाकी नीचे मैंने देखा नहीं ये कितनी पैडियाँ हैं। चलो तो स्टार्ट कर लिया, ओहो भाई हमारे देर बहुत साल हो गया यात्रा करते ना, थक जाए तो भाई हमने देखी जवानी नहीं रही यार, सालों फिर दे तीन चार दिन टूर काट दे भाई। ओहो सामने चढ़ गया प्रदीप बंद भाई, गोटे तो खड़ गया भाई उम्र भी होली भाई, ओहो गड्ढे का ग्रीस खत्म हो लिया भाई, बोल जय माता की। भाई बस सही चल रहे थे, छोरा जवान प्रदीप भाई पहली फिर आए थे इस करके ना थकावट नहीं हो रही। ये हमारा सुल्तान बारना है नीचे से माता की ओर बढ़ते हुए, थकावट थकावट सुल्तान बारना आराम कर रहे हैं। नवरात्र में माता वैष्णो देवी के दर्शन करना रहे भाई क्षेत्र से हड्डे भाई लगे दोस्तों, मोर पर पैदल नहीं चले जा रहे। हरी भाई देख ले भाई बोरी चक रहा चिन्नी की 50 किलो वजन इसमें भाई, हिम्मत देख ले भाई किसकी भी भाई, सलूट है भाई। कितना वजन है भाई इसमें है सर, कितना वजन है इसमें? 50 केजी है। हाँ जी कितना है? 50 केजी 50 केजी वजन है भाई इसमें।
और पैदल नहीं चला जा रहा है। सुबह जी मुझे सुबह जी प्रदीप मिठा गया भाई, मेरा तो जी काट दिया, छोड़ लेना पहले वरना भाई दम ऐसा पूरा दम मैं तो काट दिया, छोड़ना भाई ये तो दड़ा दड़ चल रहा है अग्गा आप तो थक लिया भाई जी लिख लिया क्या कहना जी ड्रिंक पियावांगे सुल्तान में ना ड्रिंक डाक नहीं करने भाई अरे ठंडा बस ड्रिंक हो ड्रिंक भी नहीं करने पीने चलाएंगे नींबू पानी पी लेंगे ये सारे यूज कर रहे इस रास्ते को चल रहे हैं भाई बिल्कुल ही कौन पर यात्रा भाई और यात्रा का बहुत फिरौन पर यात्रा भाई माता वैष्णो देवी की पुछो नहीं गोडे तोड़ते गोडे भाई दीदी और कुमारी से 2-3 किलोमीटर पीछे है भाई ठीक है बढ़ रहे हमारे साथ देखते रहे कटरा से माता वैष्णो देवी यात्रा पैदल भाई ठीक है गर्मी है बाकी भाई उसको बंदा लेना पड़ गया थोड़ी गर्मी लगी अच्छा वो तो खुले कपड़े पहन कर रहे कुर्ता पजामा फिशकर का गर्मी कम लग रही है भाई सफर का आनंद लेते चल रहे हैं माता का नाम लेगा भाई जय श्री माता की सीढ़ियों की संख्या 526 है भाई और बकायदा लिख विरेख है भाई भाई जो दिक्कत हो किसी ने भाई सान चढ़ दी होना इन्हें पैड़ी पकड़नी चढ़ी हो भाई माना भी दिक्कत हो रही भाई सिमारे हम भी चढ़ रहे उरा को हम भी लोकल रस्ते पर चढ़ रहे इस पर यहाँ बकरियाँ भाई उरा पानी की सुविधा भी रखी है देखो भाई माता का शेर किस तरह दूर पैड़ी ऊपर थोड़ी चढ़ना ना भागते भागते नहीं हो दूर ऊपर जाना देखो तेरे में आ गए माता रानी का लेगा नाम चढ़ जा ऊपर छोरे में जान देख भाई बाघ तो चढ़ रहे छोरा भाई कमाल है भाई छोरे के भाई इसके तो तीन ठकता छोरा भाई गाड़ी हो गई है हर तुम्हारे 2 किलोमीटर रह गए उस तक 7 किलोमीटर होगा 7 और रह गए 9 किलोमीटर बढ़े पूरा कोई दिक्कत नहीं यार तुम्हारे थोड़ी दिक्कत होगी चढ़ाई कर देना भाई उसके बाद थोड़ी चढ़ाई कम हो जाती है भाई ठीक है बन रहे हमारे साथ और देखते रहे कटरा से माता वैष्णो देवी पैदल यात्रा बीच बीच में ऐसे बॉडी मिल जाएंगे आपको जहाँ पे लिखा होगा भूस्खलन क्षेत्र भाई ऊपर से कोई पता नहीं है उसके वहाँ के पहाड़ गिर जाए भाई बाकी सरकार ने बाकी सुविधा कर रखी है भाई एक कप चाय का भाई देखते कितने हैं दियो उस्ताद 2 कॉफी कितने की है 2 दे दे जी ला भाई कॉफी लिया 30 रुपए की का भाई यार अरे ले ली चीनी के 2 पैकेट भाई 2 लिए दोस्तों भाई पीछे से फालतू ले लिए चीनी ज्यादा खावा दे दे पट्टी बट्टा
माता वैष्णो देवी के दरबार में बोल चलो आपको सुबह ठीक है बोले और चिल्ली भाई शुगर बड़ा ही ज़्यादा यार पहली बोला रे कौन था दो चकले बोली है भाई चकले का सिन नहीं आया ऐसी हो रहा कोटे मत लिया देखने भाई हमारा कोटे में लगता है भाई अपना फिर दे माता का नाम लेकर चाह पीड़े लगे थे पता ही हरियाणा वाले तो चाह पी कराजी है भाई चाह पीन की थकावट उतरा आए देखते हैं थोड़ी चाय पी के थोड़ी जान सी आएगी कॉफी पीगा भाई इन पक चलेंगे अब आराम से क्योंकि चाय पी के थोड़ी जान आ जाती है शरीर में अब चलते हैं इस पर भाई पूड़ी पको बिल्कुल सीधी खड़ी पौड़ियां हैं भाई ठीक है बाकी मैं खरीद पौड़ियों पर ठगा ज्यादा भाई चाह ने भी कोई काम नहीं करा चार सौ पेड़ियां चढ़े भाई लोकल रस्ते बढ़िया भाई लोकल रस्ते पर चलते रहो नहीं इंसान वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है कटरा शहर भाई दोस्तों माता रानी का भवन वहाँ से 13 किलोमीटर रह जाता है भाई और इस समय हम अर्ध कुंवारी से 1 किलोमीटर पीछे हैं भाई चल रहे हैं आराम आराम से भाई और वो जो आप ये देख रहे हो ये साइड है जो ये कटरा का रेलवे स्टेशन है भाई ये आप साइड दिख रहा है यार आ रहा था ये कटरा का रेलवे स्टेशन है भाई दोस्तों चलिए आगे आगे चलते हैं अर्ध कुंवारी की तरफ भाई भाई इन सीढ़ियों की संख्या 165 भाई इन पर भी चढ़ जाते हैं देख जाओ जो होएगा बाकी थकावट तो पूरी हो भाई कोई नहीं फिर भी शॉर्टकट है भाई रास्ता अर्ध कुंवारी का मंदिर भाई नज़दीक पहुंच गया वहां पे जाके आपको अर्ध कुंवारी के दर्शन कराते हैं भाई बन रहे हमारे साथ देखते रहे कटरा से माँ वैष्णो देवी यात्रा ये यहाँ का बाजार है अर्ध कुंवारी का यहाँ पे आप पानी रोटी नाश्ता
जो खाना चाहते हैं आप खा सकते हो, ठीक है। ले भाई, इस समय हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी भाई, ये अर्धकुंवारी है भाई, ठीक है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल भी चार्ज लगा सकते हो भाई, यहाँ देखिए खड़े भाई, चार्जिंग की सुविधा भी है, अगर आप अपने मोबाइल चार्जिंग लाना चाहते हो तो अर्धकुंवारी में, ठीक है। ये यहाँ का छोटा सा बाजार है भाई अर्धकुंवारी में, चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये सरकारी कैंटीन है भाई, यहाँ पे अर्धकुंवारी में रेट लिख रहे हैं भाई, अगर आप इधर आ सकते हो तो खा सकते हो। पूरी चना 40 रुपये प्लेट है भाई, सूजी हलवा 45 रुपये की है, सामने पट ले भाई क्योंकि और एक का रेट बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाए भाई। लाइव दोस्तों अर्धकुंवारी माता के दर्शन भाई, तो सामने लाइव चल रहा है भाई, देख सकते हो आप होटल में लाइव चल रहे हैं, ये अर्धकुंवारी भाई बहुत ही प्यारा वो सजाया भाई माता रानी का अर्धकुंवारी में, ठीक है। ये अपना सुल्तान बाना भाई अर्धकुंवारी के आगे खड़ा है, माता की दया से यहाँ पहुँच गए, जय माता की। हम बिल्कुल इसके पीछे चल रहे हैं सुल्तान बारना के, आगे को चल रहे हैं। ये ऊपर लाइव चला हुआ है अर्धकुंवारी का, दोस्तों अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और अर्धकुंवारी से अब चलते हैं माता वैष्णो देवी भवन की तरफ भाई, जहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा 100 किलोमीटर रह जाती है अर्धकुंवारी से, जब भी आप आए तो अर्धकुंवारी के दर्शन शुरू करके जाए भाई। जय हो माता की, जय माँ वैष्णो देवी। अब चलते हैं हम माता वैष्णो देवी की भवन की तरफ भाई, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है भाई, चलिए हमारे साथ चल पड़िए कटरा से वैष्णो देवी पैदल यात्रा में। Okay, just stay away.